एवरीवन, आज मैं आपके लिए ड्राई सोया चिली की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इजी है। जिसको बनाने के लिए मैंने 2 कप फूले हुए सोया बड़े लिए हैं, जिसमें मैंने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच रेड मिर्च पाउडर और 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाल करके मिक्स कर लिया है अच्छे से। उसके बाद पैन में 2 चम्मच ऑयल गर्म करेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा किया हुआ सोया बड़ी को पैन में ट्रांसफर करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। जब तक इसके ऊपर हल्का हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए हमें तब तक ही फ्राई करना है इसे। सोया बड़ी पे अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है ऊपर हल्का हल्का, अब इसे निकाल लेते हैं एक बॉल में। सेम पैन पे मैं 2 चम्मच ऑयल फिर से गर्म कर, उसके बाद इसमें 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन और 2 हरी मिर्ची को मैंने बीच से काट लिया था, इसे आधा मिनट के लिए चला लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें क्यूब्स में कटे हुए प्याज को डालेंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। अब मैं इसमें कटे हुए शिमला मिर्च, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, शिमला मिर्च को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, लगभग 1 मिनट के लिए, ताकि जो भी इसका क्रंचीनेस है वो बना रहे इसमें। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, लगभग 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें टोमेटो सॉस, 1 चम्मच सेजवान सॉस और 1 चम्मच विनेगर। नमक मैं इसमें 1/2 चम्मच से भी कम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोया बड़ी को कोट करने के समय भी नमक ऐड किया था और सॉस में भी नमक होते हैं। अब इसमें फ्राई किए हुए सोया बड़ी को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। जब तक पानी पूरा अच्छे से सोक न कर ले सोया बड़ी, तब तक हमें इसे पकाना है। एक से 2 मिनट के लिए इसे ढककर पका लेंगे, ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। सोया चिली रेडी है। आप इसे स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं या फिर इसे पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दें।